हाय, आई एम आर्किटेक्ट सचिन अरोड़ा। आज का हमारा टॉपिक है वाटरप्रूफिंग। वाटरप्रूफिंग सबको पता है, बहुत सारी सीपेज होती है, उसको अवॉइड करने के लिए या जो सीपेज पुराने घरों में या पुरानी बिल्डिंग्स में होती है उसके ऊपर वाटरप्रूफ कोट करना है कि भी कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वाटरप्रूफिंग तब आप काम ले सकते हैं जबकि पीछे से कोई वाटर का सोर्स ना हो। अगर कोई भी सोर्स है, चाहे वो सीवरेज है या फ्रेश वाटर है, कोई भी सोर्स है पानी का पीछे से, तो आपकी वाटरप्रूफिंग इफ़ेक्टिव नहीं होती। अगर आपके पीछे का सोर्स बंद हो जाता है, कोई आपकी कोई कंस्ट्रक्शन में कोई फॉल्ट है, कोई क्रैक है, कोई गोला नहीं बना, अगर वो आप दूर कर लेते हैं फिर उसके आगे कुछ कोटिंग करना चाहते हैं तो सारे प्रोसीजर सबको पता है। अब नए घर बनाने के टाइम मैंने सुना किसी से कि लै तो वाटरप्रूफिंग 50,000 च हो जाती है पूरे घर की। दैट इज़ टोटली रोंग कंसैप्ट। हमने क्या कर लिया है कि वाटरप्रूफिंग एक फॉर्मेलिटी है, बस वो करनी है और वाटरप्रूफिंग हो गई। ऐसे कुछ नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी वाटरप्रूफिंग कहाँ की ज़रूरत है। आप अपने आर्किटेक्ट को या प्रोफेशनल को, कोई भी जो हायर करेंगे आप, चाहे कंपनी पर्सन जो टेक्निकल आपके लिए आएगा, देयर आर मैनी गुड ब्रांड्स जो कि टेक्निकल हेल्प देते हैं, वो आपको टेक्निकल प्रोडक्ट समझाते हैं कि बस किस पर्पज़ के लिए कौन सी चीज़ है। क्रैक के लिए अलग मटेरियल है, आपकी नॉर्मल सीपेज के लिए अलग मटेरियल है, जो वाइट पाउडर शोरा जिसको पंजाबी में बोल देते हैं उसके लिए अलग मटेरियल है। हर चीज़ के लिए अलग अलग मटेरियल है। आपको जो पीछे से वाटर सोर्स है वो बंद किया है वाटर सोर्स, उसके ऊपर कुछ करना है वो अलग है। फ्रेशली कोई DPC लेयर बनानी है वो अलग है। रूफ स्लैब के लिए करना है वो अलग है। हर चीज़ के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है। काइंडली ध्यान रखिए, कुछ भी लेने से, कुछ भी रिकमेंडेशन करने से पहले टेक्निकल हेल्प ज़रूर लीजिए और सिर्फ टेक्निकल प्रोफेशनल को लगाइए। बी स्पेसिफिक, बी टेक्निकल। थैंक यू।